मैं वृंदावन में हूं या ना हूं, लेकिन मेरा ध्यान, मेरी दिमाग, मेरा हमेशा मन वृंदावन में ही लगा रहता है। असली मन मेरा वृंदावन में ही लगा लगता है। क्या कल के दिन तुलसी माला धारण कर सकते हैं? तुलसी माला जी का हनुमान जी से देखिए कोई संबंध नहीं है। तुलसी माला धारण करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो एकादशी का दिन सबसे सर्वोत्तम दिन है। एकादशी को तुलसी माला धारण कीजिए, अभी से पानी में उसमें भिगो लीजिए, कल गंगा जल में तुलसी माला डाल लीजिए, फिर आप उसको तेल में डाले रहिए 10-15 दिन, उसके बाद एकादशी आ जाएगी। एकादशी को तुलसी माला धारण कीजिए। जी, अगर एकादशी के व्रत का पारायण करने के लिए किसी को भोजन जरूरी है क्या? देखिए, अगर आपने संकल्प से एकादशी का व्रत रखा है तो फिर आप एकादशी के व्रत का पारायण कीजिए, अगर आपने संकल्प से नहीं रखा तो आप एकादशी का पारायण नहीं कर सकते। दीदी, वृंदावन जाना है, कितना खर्चा लग जाएगा? हमें बहुत मन करता है हम वृंदावन आने का। खर्चे का मत सोचिए, सबसे पहले वृंदावन जाइए। अगर ठाकुर साथ में होगा ना तो आपके खर्चे की कोई बात भी नहीं होगी। पहले मन में पहले खर्चा सोचने लग गए, पहले मन में संकल्प लीजिए। दीदी, कल हनुमान जयंती है, कल मेरे पति को 1 साल हो जाएगा देहांत हुए, मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया कोई उपाय बताइए। देखिए, कल आपके पति को 1 साल हो जाएगा शांत हुए, तो पहले तो मेरा पूरा YouTube परिवार इनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनको 1 साल हो गया है, भगवान उनको स्वर्ग में प्रधान दे और जो भी गति दे रखी है वो अच्छी गति दे। कल आप अपने अपने पति के नाम का एक सुंदर कांड स्वयं बैठ के पढ़िए, ठीक है? आपको YouTube पे नहीं देखना, आपको गूगल पे नहीं देखना, आपको स्वयं जो ग्रंथ आता है सुंदरकांड का वो खोलिए। कल अपने पति के नाम को एक सुंदरकांड कल घर पे बैठ कर करिए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। दीदी, आप आज बरसाने गई थी, वीडियो कब अपलोड की? बरसाने की वीडियो मेरे फ़ोन पे इतनी वीडियो है ना, इतनी वीडियो, जो भी लोग जाते रहते हैं, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, जो भी लोग जाते रहते हैं वो मुझे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि मेरा जो सेवार्थ है, आज वहाँ पे लुधियाना से कोई लोग आए हुए हैं, आप लोगों ने ना सेवार्थ को अपना घर बना दिया। महाराज, मैं बारी जाऊँ आप लोगों पे, जैसे मैं लड्डू गोपाल की नज़र उतारती हूँ, वैसे अपने यूट्यूब परिवार की नज़र लगा उतार रही हूँ कि मेरे यूट्यूब परिवार को किसी की भी नज़र ना लगे। सोचिए, आरओ नहीं था, आरओ की सुविधा हो गई, बड़ा सिलेंडर नहीं था, बड़े सिलेंडर की सुविधा हो गई, 10 बेडशीट की सुविधा हो गई, मोटर सही हो गई, तकियों की सुविधा हो गई। अब मैं अधिक से अधिक कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे खाने की सुविधा भी कर सकूँ, कुछ बर्तन मैं वहाँ पे रख सकूँ और खाने का भी सुविधा मैं वहाँ पे करवा सकूँ, ऐसी मेरी दिली कामना। अब मेरा मन कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है ना, उसको अपना घर ही बना दिया। अब मेरी दिली कामना है कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे खाने की सुविधा भी कर सकूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, एकादशी का व्रत रखता हूँ, पर स्कूल में पारायण सही समय पर नहीं कर पाता, कोई उपाय बताइए। बच्चे अगर व्रत भी रख रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है, बच्चे अगर व्रत भी रख रहे हैं बहुत बड़ी बात है। मनी प्लांट कौन सी जगह रहना चाहिए दीदी? भाई, मनी प्लांट घर के अंदर भी रह सके तो भी अच्छी बात है, बाहर भी रहे तो भी अच्छी बात है, पूर्व दिशा में वैसे रहना चाहिए, और साथ ही के साथ मनी प्लांट खाने की टेबल पर रहे तो सोने पे तू आ गया है, लेकिन मनी प्लांट की जो पत्ती है वो नीचे नहीं आनी चाहिए, मनी प्लांट की पत्ती ऊपर की तरफ जानी चाहिए। मैं किसी दिन अपने घर के मनी प्लांट भी दिखाऊंगी, ऊपर की तरफ पत्ती जानी चाहिए। पैसे की तादाद, जब मनी प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता है ना तो पैसा ऊपर की तरफ आता है, मतलब धन संसार बढ़ रहा है। मनी प्लांट नीचे की तरफ ग्रो करेगा, पैसे नीचे की तरफ जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, पूरा 1 घंटा होने वाला है हनुमान जन्मोत्सव की, आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। दीदी जी, हमेशा तुलसी सूख जाती है, क्या करूं? इस बार रामा और श्यामा दोनों तुलसी जोड़े से लगाइए, उसके बाद तुलसी लगाने से 1 दिन पूर्व आपको तुलसी माता से प्रार्थना करनी है, तुलसी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, उसके बाद तुलसी चढ़ाइए। तो चलिए, राधे राधे, हरे कृष्णा, हनुमान जन्मोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि हनुमान जन्मोत्सव के बारे में दीदी वीडियो बनाओ, मैं स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। आप जब ये वीडियो स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जन्मोत्सव पे आपको क्या क्या करना है। स्टार्टिंग के जो मैंने 15 से 20 मिनट लिए हैं वीडियो में, वो आप लोगों के हनुमान जन्मोत्सव को लेकर ही लिए हैं, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के क्वेश्चन लेने चालू करे हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरी बोल।